फोटोशॉप की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। लेसन 5 है ये, फोटोशॉप का बेसिक्स हम देख चुके हैं। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, बहुत सारे टूल्स देखेंगे। रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, लैसो टूल है, क्रॉप और स्लाइस है, मेजरिंग टूल्स है, रीटचिंग टूल्स है, स्पॉन्ज है, ऐसे बहुत सारे टूल्स है। तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर मार्की टूल, अब ये क्या चीज होती है? रेक्टेंगुलर मार्की टूल ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है आपका फोटोशॉप में, क्योंकि आप यहां चाहे सिलेक्शन करें, क्रॉप करें किसी इमेज को, या कोई कलर फिल करें, बहुत हद तक ये आप यूज करेंगे मार्की टूल को। और मार्की टूल के कुछ ऑप्शंस हैं। अब ये ऑप्शंस में चार नहीं कहूंगा, क्योंकि जो भी वर्जन आप यूज कर रहे होंगे, हो सकता कुछ और आपको मिले। तो बस जानना जरूरी है कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऐसी ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सिलेक्शन करना है उसके लिए यूज होता है। यहाँ पर आप देखिए सिंगल कॉलम, आपका ये वाला देखिए सिंगल कॉलम मार्की टूल है। ये एक पिक्सल वाइड सिलेक्शन लेता है और ये हाइट तक जाता है इमेज के। ऐसे सिंगल रो मार्की टूल है, यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ से यहाँ तक एक पिक्सल तक का वाइड लेके आता है, पूरे विड्थ तक जाता है। ऐसे आपके पास इलेप्टिकल मार्की टूल है, ये आप इलेप्टिकल अगर या सर्कुलर सिलेक्शन करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले फोटोशॉप हम ऑन कर लें, फोटोशॉप को चालू कर लें, ताकि हम सीधा उस पर काम कर सके। ये फोटोशॉप है आपका, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको मार्की टूल का डिस्कशन करें और एक एक करके देखें क्या करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है इसको कैसे ओपन करेंगे, मैं आप इसको तरीका बता दूंगा। सबसे पहले फोटोशॉप हम ओपन करेंगे, रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेंगे। ये जो भी जिस भी जगह पे होगा, ये जरूरी नहीं है सेकंड हो, क्योंकि ये वर्जन पे डिपेंड करता है। और अगर आप इसको क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे इस आइकन को जो आपको दिखेगा टॉप लेफ्ट में, दिखाऊंगा अभी आपको, तो आपको तीन ऑप्शंस जो है, जो बाकी इलिप्टिकल सिंगल और सिंगल रो और सिंगल कॉलम वाले भी दिखाई देने चाहिए। रेक्टेंगुलर मार्की टूल जब सिलेक्ट करेंगे और उसको आप क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे उस बॉक्स को किसी भी इमेज किसी पार्ट पे, जो ब्लिंकिंग ब्लैक और व्हाइट लाइंस आपको दिखाई देगी वो इंडिकेट करेगी, ये बताएगी कि सिलेक्शन आपने कर लिया है। अब हम अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहे कुछ भी करना हो, जो भी ऑप्शन करना है, आप ये सिलेक्शन के लिए यूज होता है। अब देखिएगा, अगर आप एंटर कर देंगे तो क्या करेगा, फोटोशॉप वो क्रॉप कर देगा, बाकी जो इमेज है उसको क्रॉप कर देगा। तो यहां पर हमारा फोटोशॉप ओपन हो गया है, लेट्स गो टू फोटोशॉप। ये फोटोशॉप फाइल करते हैं, ओपन करते हैं, देखिए हमारे पास कौन सी इमेज है। इसी इमेज को ले लेते हैं, बेबी की इमेज है ये, इसके बारे में बात हो रही है। ये देखिएगा रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। तो अगर मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल करूंगा तो इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसी में अगर इलिप्टिकल मार्की टूल करूंगा तो ये अब देखिएगा ये इलिप्टिकल एरिया ले रहा है, या सर्कल एरिया ले रहा है, सर्कल भी बना सकते हैं, इलिप्टिकल ले रहा है। ऐसी आप अगर सिंगल रो लेंगे तो ये सिंगल, देखिए सिंगल रो ले रहा है, एक एक पिक्सल का ऊपर नीचे जा रहा है। इस तरीके से अगर आप सिंगल कॉलम करेंगे तो सिंगल कॉलम ले रहा है यहाँ से, आप देखिएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक मैं आपको ये भी बता दूं, जो इसमें बताया गया है रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, अगर आप इसमें एंटर कर दें, देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आएंगे, जैसे राइट क्लिक करें इसमें और आप देखिएगा ये सारे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। तो ये इसको डिसलेक्ट कर सकते हैं, फेदर कर सकते हैं, सिलेक्ट इन्वर्स कर सकते हैं, यानी इसको छोड़ के बाकी सिलेक्ट हो जाएंगे, देखिए इस तरीके से कर सकते हैं आप। और भी ऑप्शन है आपके पास, फ्री ट्रांसफॉर्म पाथ है, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन है, और ये सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, तो इस सिलेक्शन को ध्यान रखिएगा आपका, ये आपका मार्की टूल है। लैसो टूल, लैसो टाइप टूल क्या करता है, अब अगर आपको कोई चीज सिलेक्ट करनी है, रेक्टेंगल या सर्कुलर नहीं चाहते आप, तो आप फ्री हैंड चाहते हैं, कोई एक पर्टिकुलर चीज सिलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई एक पोर्शन कटआउट करना, हटाना है, या कोई स्पेसिफिक सेक्शन एग्जिस्टिंग पिक्चर का सिलेक्ट करना है, तो यहां पर आप लैसो टूल लेंगे। तो लैसो टूल कहां पर जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूं लैसो टूल कैसे मिलता है आपको। अब देखिए ये जो लैसो टूल है, ये लैसो टूल है। तो लैसो टूल जो है, आप एक एरिया सिलेक्ट कर रहे हैं, देखिए कि मैं एक छोटा सा एरिया फ्री हैंड से सिलेक्ट कर रहा हूँ, या फिर आप और भी है हमारे पास है पॉलीगोनल। पॉलीगोनल में क्या होगा, आपको एक एक वर्टेक्स लेगा, यूं वर्टेक्स लेगा, पॉलीगोन बनाएगा बकायदा, डबल क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप पूरा यू करके यू ज्वाइन कर लेगा अपने आप को ना। डबल क्लिक कर सकते हैं आप, या आप राइट क्लिक करके डिसलेक्ट भी कर सकते हैं,
डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से आप पॉलीगन जितने भी आप बनाना चाहे उतना बना देगा, ठीक है। उसके बाद आप इस जगह पे आगे तीसरा भी देख लीजिए, ये आपका एक तो ये हो गया, और एक और आपका मैग्नेटिक लैसो टूल। मैग्नेटिक लैसो टूल देखिएगा कितने आसान से, मैं जब इसको मूव कर रहा हूँ तो ये मैग्नेट की तरह जा रहा है, मैग्नेट की तरह जा रहा है। लेकिन इन सब में ध्यान रखिएगा, इन सब में आप जब भी, जैसे मैं इसको लेके आया, मैग्नेटिक टूल को लेके आया, तो ऊपर अपने आप ये सारी चीजें आ रही, जैसे फेदर है, विड्थ है, एज कॉन्ट्रास्ट है, फ्रीक्वेंसी है, पेन प्रेशर है। पेन प्रेशर को आप देख लीजिए, पेन प्रेशर लगाना चाहते हैं नहीं लगाना चाहते हैं। विड्थ आप करना चाहते हैं 10, मैं कर देता हूं इसको 50, ठीक, जस्ट सीखने के लिए। देखिए आप कितना बड़ा हो गया, देखा आपने कितना बड़ा हो गया। तो और अच्छे जाके ना, और अच्छे एरिया में जाके, क्योंकि हमारे पास विड्थ अच्छी हो गई तो हम बहुत अच्छे से देख पाते हैं, और उसको जूम करना चाहिए तो अगर आप इसको इमेज को जूम करना चाहें तो और अंदर चले जाइए, है ना। इस तरीके से आप माउस से इसको कंट्रोल दबा के, अभी ये चला जा रहा है, अभी मैंने इसको छोड़ा नहीं है, लेकिन मैं इसको छोड़ दूंगा और हम और जूम करके जा सकते हैं। मैं इसको छोड़ देता हूँ अभी, किए जा रहा हूँ मैं, और उसके बाद या अच्छा, इसको छोड़ने का तरीका क्या है, या तो आप दोबारा इस पर चले जाइए और इस पर क्लिक कर लीजिए, वो अपने आप छूट जाएगा, राइट, या फिर आप एस्केप कर लीजिए, ये आपके पास ऑप्शन है। मैंने एस्केप किया अभी तो हट जाएगा, ये है। तो ये आपका सिलेक्शन वाली बात है, ये इसमें आप सिलेक्ट करते हैं एक पार्ट को, पॉलीगोनल पॉलीगोनल लैसो हो या मैग्नेटिक लैसो हो। ये पॉलीगोनल लैसो जो देखा, ये सिलेक्ट करने के लिए है, लेकिन ये आपने देखा स्ट्रेट लाइन बनाता है। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करने है उसके लिए ये सबसे बढ़िया है पॉलीगोनल, क्योंकि पॉलीगन बनता है इसमें। लेकिन मैग्नेटिक लैसो जो है ये एक एज डिटेक्शन टूल है, ये क्या करेगा, ये अपने आप वो सर्च करेगा उस एज को, ऑब्जेक्ट के एज को, और अपने आप उसको पकड़ता चलेगा जैसे आप मूव कराएंगे, यानी अपने आप वो चीजों को पकड़ते मैग्नेट की तरह वो आगे बढ़ता चलेगा। देखा आपने, मैंने जब पहले उठा दिया तब भी वो अपने एरिया को वो पकड़ रहा था, अपने एरिया पे वो जा रहा था, ऑटोमेटिक चीजें वो कर रहा था। ये फायदा है इसमें मैग्नेटिक आपके लैसो में। मैजिक वैंड, मैजिक वैंड क्या होता है, जो इसको मैं समझा दूं आपको कि कलर पे बेस्ड ये आपके सिलेक्शन देगा। आपका मैजिक वैंड जो है वो कलर पे बेस्ड सिलेक्शन देगा, और ये एक एक कलर कलर को आप सिलेक्ट करिए और आप देखिएगा फोटो फोटोशॉप क्या करेगा, वो उस टाइप के जितने भी वहां पर आसपास पिक्सल होगा उनको पकड़ लेगा। मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर मैजिक वैंड टूल है, आपको इसको कैसे लेंगे, सबसे पहले मैजिक वैंड टूल चूज करेंगे, इस तरीके से करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह ना कि ये किसी को आइडिया नहीं है ये कौन कौन से टूल है, इतना याद नहीं रहता, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक याद नहीं रहेगा। यहाँ पर मैजिक वैंड टूल ढूंढना पड़ेगा, एक बार आपने करना शुरू कर दिया, जैसे अगर इसके ऊपर आप यूं लेके आते हैं अपना माउस कर्सर, तो आपको पता बता देगा ये क्या करता है ना, ये अलग अलग है। जैसे ये क्रॉप है, ये मुझे पता है कि मैं इसे यूज करता हूँ, और ये अलग अलग है। तो चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। देखिए टॉलरेंस दिया है, एंटी एलियाज्ड है, और अब इसमें टारगेट लेयर आपको लेना पड़ेगा, कि कुड नॉट यूज दी मैजिक वैंड बिकॉज द टारगेट इज अ फिल लेयर, राइट। तो ये मैजिक, इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि ये मैजिक, ये जो चीज है ये मैजिक वैंड ही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये टारगेट जो लेयर है इसको लीजिए। अब देखिए, क्योंकि ये इधर पे चला गया था ना, ये दो लेयर बन गई थी इसके ऊपर, तो इसको चाहिए, तो ये वाली लेयर पे आते हैं, और आपको पता है इसको कैसे हटाते हैं, है ना, डिलीट कर सकते हैं इसको, तो हम इस पे रहते हैं बैकग्राउंड वाले पे। अब देखिए मैंने क्या किया, इस जगह पे आया तो इसके आसपास जितने भी पिक्सल थे, जब मैं इसको करूंगा तो ये सारे पिक्सल एक जैसे, मैं अब ये आंख को करता हूं, देखिएगा इसने वो वाले सारे पिक्सल जो वो वाले हैं एक जैसे, एक तरीके से कहिए कि उनकी इंटेंसिटी वैसी है या ब्राइटनेस वैसी है, उस तरफ से पकड़ लिया। अब मैं कान पे आता हूँ, देखिए ये जो कलर है वही ये कलर है पिक्सल का, तो उसने सारा ले लिया। ये बहुत ही पावरफुल, देखिए यहाँ करूंगा तो पूरा ये नीचे वाला ले लिया। बहुत पावरफुल टूल है मैजिक वैंड, बहुत ही ज्यादा पावरफुल, और बहुत ज्यादा यूज होता है। और इससे देखिएगा आप, टॉलरेंस वैल्यू है, एंटी एलियासिंग वैल्यू है, ये देखिए यहाँ पर ये टॉलरेंस है, एंटी एलियासिंग है, कॉन्टिगुअस है, यूज ऑल लेयर्स है। तो टॉलरेंस वैल्यू आप चूज करते हैं ताकि कंट्रोल कर सके जो कलर आप देख रहे हैं ना, देखा कहाँ कहाँ कलर उसने चूज किया। तो थोड़ा छोटा आपको चेक करना है, छोटा केवल लेना है एरिया, या बड़ा लेना है उसको आप ले सकते हैं इसको टॉलरेंस वैल्यू को चेंज करके। एंटी एलियास, एंटी एलियास ये क्या करता है, एक ये आप ये जो सेमी ट्रांसपेरेंट पिक्सल है ना, जो एजेस पे, जैसे वो एज पे डिटेक्ट करता है सेमी ट्रांसपेरेंट पिक्सल, उसको भी ये ले लेता है।
तो उससे क्या होगा, एक बड़ी स्मूथ एज ट्रांजिशन होगा जब आप एडिटिंग करेंगे, वरना क्या होगा, आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ यहाँ डिफरेंस दिखाई देगा। इसका मतलब है एंटी एलियासिंग जो होगा वो आपको एक बड़ा स्मूथ सा काम, मतलब जो भी एरिया आप चूज करेंगे उसका जो कॉर्नर्स है उसको बड़ा स्मूथ बना देगा। एक और है कॉन्टिगुअस। अगर आप ये चेक करते हैं कॉन्टिगुअस को, मैं यहाँ बता देता हूँ फिर से आपको, या देखिए ये जो कॉन्टिगुअस है इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो उससे क्या होगा, ये लिमिट करेगा जो सिलेक्शन एरिया है, सिलेक्शन एरिया जो कनेक्टेड है पहले पिक्सल से जो आप क्लिक करते हैं। अगर अनचेक करते हैं इस ऑप्शन को तो ये क्या होगा कि ये सिमिलरली कलर्ड उठा लेगा, ये जो नॉन कंटिग्यूस, यहाँ कंटिग्यूस नॉन कंटिग्यूस का मतलब है, कंटिग्यूस मतलब साथ में सब जुड़े हों, नॉन कंटिग्यूस मतलब साथ में ना जुड़े हो तो भी चलेगा, राइट। तो इसको सिलेक्ट करेंगे तब ऐसा होगा, कंटिग्यूस मिलेगा, नॉन कंटिग्यूस मिलेगा। अब ये आप हो सकता है एक से ज्यादा लेयर्स पे काम कर रहे हैं, तो जैसे आपने देखा जब मैंने मैजिक वैंड को क्लिक किया तो उसने कहा कि देखिए साहब आप उस लेयर पे काम नहीं कर रहे जिस पे करना चाहिए, तो उस लेयर को मैंने हटाया। अगर हम यूज ऑल लेयर करते तो उस लेयर को हमें हटाने नहीं पड़ता, हम सब पे काम कर रहे होते, ये है फायदा इसमें। फिर आप क्लिक कर सकते हैं कोई भी कलर कर इमेज इसे सिलेक्ट करिए, और अब अगर देखिए एंटी एलियास कर दिया मैंने या नॉन कंटिग्यूस कर दिया तो किस तरीके से मिलेगा, सेम चीज का अलग अलग रिजल्ट मिलेगा, है ना ये चीज। तो ये आपका मैजिक वैंड है, उसके बाद आप इस सिलेक्शन को लेके फिर इसमें कोई काम कर सकते हैं आप, है ना। मैं तो इस पूरी चीज को देखिए, मैं पूरे इसको उस एरिया को लेके कर सकता हूँ, फिर काम कर सकते हैं, उसके बारे में बाद में जानेंगे। मैग्नेटिक लैसो टूल, जैसे मैग्नेटिक लैसो टूल के बारे में हम बात कर चुके हैं, इसमें क्या है कि मैग्नेटिक लैसो टूल जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं, एक दो तीन चार इस तरीके से। जो सिलेक्शन ऑप्शन है उसमें नया है, ऐड है, सबट्रैक्ट फॉर्म है, इंटरसेक्ट विथ है। तो यहाँ पर इस मैग्नेटिक लैसो में आप फेदरिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटी एलियासिंग सिलेक्ट करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें विड्थ, कॉन्ट्रास्ट, फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं मैग्नेटिक लैसो में। एक स्टाइलस प्रेशर भी है जो मैंने आपको दिखाया था। अगर आप स्टाइलस टैबलेट से काम कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट या डिसलेक्ट कर सकते हैं स्टाइलस प्रेशर ऑप्शन को। अगर ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है तो ये एक जो स्टाइलस प्रेशर आप जैसे ही दबाएंगे तो डिक्रीज करेगा एज विड्थ को। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इमेज को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक इन द इमेज टू सेट द फर्स्ट फास्टनिंग पॉइंट। सबसे पहले एक पहला पॉइंट ले लीजिए, फिर फास्टनिंग ये अपने आप उसको एंकर करेगा दूसरे, जैसे आप आते चले जाएंगे फास्टनिंग पॉइंट्स एंकर द सिलेक्शन बॉर्डर इन प्लेस, जो जो सिलेक्शन बॉर्डर है उसके आसपास वो जाता रहेगा। अगर आप रिलीज करेंगे माउस बटन को या इसको दबा के रखेंगे तो वो अपने आप मूव करेगा, एक ट्रेस बना देगा। और जब आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आप बता देंगे उसको, क्योंकि स्टार्ट तो शुरू करेंगे एंड पॉइंट पे खत्म कर देंगे, तो अपने आप ले लेगा उसको। क्रॉप एंड स्लाइस टूल, क्रॉप क्या करता है और स्लाइस क्या करता है, देखिएगा कि आपके पास ये है क्रॉप, ये टूल है क्रॉप। अगर मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट करूं, ये वाला एरिया मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ना ऐसा हो गया कि ये एक्स्ट्रा, कैंसिल करता हूँ, ये एक्स्ट्रा एरिया आ गया, तो मैं दोबारा इसको करता हूँ, थोड़ा इसको हटा देते हैं, अभी फिर से करता हूँ। ये वाला एरिया मैं चाहता हूँ केवल, बाकी ये वाला एरिया नहीं चाहता हूँ, तो बस इसको मैं क्रॉप करना चाहूंगा। अब देखिए यहाँ पर इसकी सब वैल्यू वगैरह आ गई कि आप क्रॉप करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, कितनी ओपेसिटी रखना चाहते हैं, ये सब आपके ऊपर है, बहुत सारी चीज है। परस्पेक्टिव वर्जन देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, तो उसके बाद आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, है ना। यहाँ से राइट क्लिक करिए और क्रॉप कर दीजिए, वो एरिया क्रॉप हो गया। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, मैं क्रॉप नहीं करना चाहता हूँ। तो स्लाइस टूल ये है, स्लाइस टूल एक स्लाइसिंग का काम करता है, एक इमेज को छोटे छोटे सेक्शन में बांटने का काम करता है, और ये एक साथ मिल जाएंगे जैसे जिग्सॉ होता है, लेकिन इसके स्ट्रेट एज होंगे। तो दो टूल्स है हमारे पास, एक तो स्लाइस है जो स्लाइस क्रिएट करता है, और एक स्लाइस सिलेक्ट है जो आपको ये अलाउ करता है कि सिलेक्ट करें और मॉडिफाई करें एग्जिस्टिंग स्लाइसेस को। तो स्लाइस सिलेक्ट कैसे करेंगे, सिलेक्ट योर इमेज स्लाइसेस, उसको पहले तो इमेज स्लाइस को सिलेक्ट करिए, फिर एडजस्ट करिए उस जो साइज है स्लाइसेस का, उनके हैंडल को चेंज करके शिफ्ट की दबा के रखिए, ताकि आप मल्टीपल स्लाइसेस को एक साथ सिलेक्ट कर सके। तो करना कैसा है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं स्लाइस टूल कैसे यूज करेंगे। हम यहां पर जाएंगे, स्लाइस टूल यूज करेंगे। अब देखिए मुझे पता नहीं है कौन सा स्लाइस टूल है, ये देखिए स्लाइस टूल है ना। तो हम क्या करेंगे, स्लाइस टूल सिलेक्ट करेंगे यहां, राइट। अब उसके बाद हमने कहा कि क्लिक एंड ड्रैग ओवर द एरिया यू विश टू मेक इनटू स्लाइस, तो
क्लिक किया और ड्रैग कर दिया। मैं चाहता हूं कि इस एरिया को हम स्लाइस करें। रिलीज द माउस बटन, छोड़ दिया। यूज द स्लाइस सिलेक्ट टूल। अब यहां पर आ गए ये स्लाइस सिलेक्ट टूल, इस पे आ गए। यू कैन मूव एंड रिसाइज स्लाइसेस बाय ड्रैगिंग इनसाइड अ स्लाइस और बाय ड्रैगिंग द हैंडल्स। तो आप इसको मूव कर सकते हैं, देखिए, या फिर इसके साइड को भी मूव कर सकते हैं ऐसे, इसके इसको पकड़ के भी आप मूव कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि कैसे आप करेंगे, चाहे साइड पकड़ के कर लीजिए, चाहे इसको कर लीजिए। अब फाइल सेव, अब देखिए फाइल सेव फॉर वेब फ्रॉम द फोटोशॉप मेन्यू। व्हेन यू सेव द फाइल यू विल हैव द ऑप्शन टू सेव द इमेजेस और अ न्यू एचटीएमएल पेज टू कंटेन द इमेजेस। अब हमने क्या किया कि हम चाहते हैं कि साहब हमारे पास और भी आ जाए, है ना, तो हम कहते हैं कि चलिए इसको भी स्लाइस करेंगे हम कहते हैं इसको भी स्लाइस करेंगे हम, ठीक, इसको भी स्लाइस करेंगे हम। ऐसे स्लाइस करने के बाद यहां पर आप इस पे स्लाइस सिलेक्ट टूल पे इधर उधर ले जा लीजिए। अब ये स्लाइस बन गया मेरा, एक पार्टी है, एक पार्टी है, एक पार्टी है। अब अगर आप फाइल करके सेव फॉर वेब करेंगे और इस जगह पे ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो जो काम किया है वो सब मूवमेंट आपको यहां दिख रहा है, जो जो चीज लेके गए हैं आप, क्योंकि जो भी सिलेक्शन आप कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो एक रैंडम सिलेक्शन किया है, लेकिन जैसे ही आप प्रॉपर सिलेक्शन करेंगे आप देखेंगे कि आप इसमें और भी चीज चेंज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप क्या लेना चाहते हैं, कैसे लेना चाहते हैं, सिलेक्शन सिलेक्टिव है, अडैप्टिव है, रिस्ट्रिक्टिव है, ये सिलेक्शन के ऊपर रहता है। देखिए तीन सिलेक्शन किए थे मैंने, वो अलग अलग दिख रहे हैं आपको, एक ही जगह बस थोड़े से बाल का सिलेक्शन किया था इसलिए बाल दिखाई दे रहे हैं बच्चे के, अदरवाइज आप देखेंगे कि जो स्लाइस है वो तीनों यहां पर हो गए। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सेव कर देंगे, बस यहां पर सेव कर देंगे, राइट। और डेस्कटॉप पे जाएंगे, हमारे पास एक फोल्डर हमने बना रखा है ऑलरेडी, ये एचटीएमएल में सेव हो जाएगा। एचटीएमएल के अलावा आप जिफ में भी सेव कर सकते हैं, इमेज में भी सेव कर सकते हैं, या एचटीएमएल फॉर्म में सीधा सेव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम वेब वेब में काम करते हैं तो सीधा हम एक इमेज का काट पीट के छोटे छोटे बार बना के उसका एक बहुत अच्छा सा एचटीएमएल पेज बना सकते हैं। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा स्लाइस टूल कैसे काम करता है। इस तरीके से स्लाइस टूल काम करता है। अब क्रॉप करना है तो क्रॉप बड़ा आसान है, क्रॉप में तो कुछ भी नहीं है, छोटा एक जैसे टूल बार भी है आपके पास, यहाँ पर भी आपके पास क्रॉप ऑप्शन है, देखिए ये क्रॉप ऑप्शन है आपके पास, सीधा क्रॉप कर लीजिए, उस पोर्शन पे जाइए, देखिए मैं ये वाला पोर्शन लेता हूँ। और बकायदा मैंने एक बड़ी अच्छी बात इसमें ये है कि आपके पास, देखिए मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया है ना, मैं क्वाड्रिलेटरल बना के इसको क्रॉप करना चाहता हूँ, देखिए पूरा क्रॉप हो गया, कितने आसानी से, क्योंकि मैंने जो क्वाड्रिलेटरल था उसको मूव भी किया था, उल्टा भी कर दिया था, कितने आसानी से क्रॉप हो गया, कट गया ये पार्ट। तो आप न्यू क्रॉपिंग एरिया, कॉर्नर ड्रैग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, आपने जैसे देखा क्रॉप करना बहुत आसान है इसमें। इसमें जब हम क्रॉप करते हैं, जैसे मैं आपको फिर से दिखाऊं, लेकिन मैं क्रॉप करना चाहता हूं, जब मैं सिलेक्शन लेता हूं तो मेरे पास अलग अलग ऑप्शन आते हैं, वो सारे ऑप्शन मैं यहां पर सिलेक्ट कर सकता हूं। तो ये क्रॉपिंग वाला ऑप्शन है, क्योंकि क्रॉप करना पड़ता ही पड़ता है। साइज एंड प्रोपोर्शन, आप रेशियो और साइज आप ले सकते हैं क्रॉप में, ये आपके ऊपर है। ओवरले ऑप्शन है आपके पास, जो व्यू है जो आपको डिस्प्ले करना है जब आप क्रॉप करना चाह रहे हैं, तो आपके पास रूल ऑफ थर्ड्स, ग्रिड, गोल्डन रेशियो, ये सब अवेलेबल रहते हैं। मेजरिंग टूल्स, मेजरिंग टूल्स क्या है, जब आप एक इमेज खोलेंगे फोटोशॉप में तो आप मेजर कर सकते हैं, मेजरिंग कर सकते हैं। जैसे आपका आई ड्रॉपर है, आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, सैंपल्स टूल सैंपल कलर टू डिजिग्नेट अ न्यू फोरग्राउंड बैकग्राउंड। अब मैं देखिए एक तरीके से चूसक का काम करेगा ये, हम किसी जगह पर जाएंगे और वहां की इमेज, वहां का, यहाँ उस इमेज का पर्टिकुलर पिक्सल उठा लेंगे, या एक तरीके से कहेंगे कलर उठा लेंगे, राइट। और ये आप सैंपल कर सकते हैं एक्टिव इमेज में किसी भी जगह पे जाकर, राइट। कलर सैंपलर मैं इसको दिखाता हूँ पहले आपको, और मैं इसको क्या करता हूँ क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि इस पर काफी हमने काम कर लिया, कैंसिल करता हूँ, हम इसको नहीं करना चाहते। टोन क्रॉप नो, जैसे इसी को खोल देंगे क्योंकि इसमें हमने कोई काम नहीं किया है। अब इसमें देखिएगा, ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो मेजरमेंट वाले टूल है ना, ये मेजरमेंट को टूल को देखते हैं। सबसे पहले आई ड्रॉपर टूल देखिए, जैसे मैंने ये आई ड्रॉपर टूल लिया, जैसे मैं यहां पर करता हूं देखिए कलर, तो ये वाला कलर जो है ना आई ड्रॉपर वाला, वो यहां पर आ जाएगा, देखिए यहां पर आ रहा है। मैं ब्लैक करता हूं, ये ब्लैक आ गया, तो आई ड्रॉपर टूल जो होता है वो उस जगह का कलर उठा के रख लेता है अपने पास, राइट। कलर सैम्पलर क्या होता है, कलर सैम्पलर जो होता है ये एक तरीके से आपको अलाउ करता है ताकि आप कलर वैल्यूज को व्यू कर सकें, जो आपने अलग अलग स्पॉट में दिए हुए हैं,
तो टूल बॉक्स में हम जाके हम कलर सैम्पलर टूल यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या कलर सैम्पलर टूल कहाँ मिलेगा, यहाँ पर जाएंगे हम, है ना। तो यहाँ पर आप कलर सैम्पलर टूल ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है। आप जैसे इस जगह पे जाएंगे ना तो आपको ये बकायदा है कि चार ले सकता है ये मैक्सिमम, एक दो तीन चार, ये चार पॉइंट ले लिए इसने, एक दो तीन चार पॉइंट ले लिए मैंने। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जैसे हमने टूल बॉक्स पे गए, इमेज पे गए और यहाँ पर हमने कलर सैंपल चूज किया, चार कलर सैंपल ले लिए और ऑप्शन ऑप्शन बार है उसमें सैंपल साइज भी चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, अभी फिलहाल चार है। अब हम मूव कर सकते हैं सैंपलर्स को, जो कलर सैंपलर टूल है, किसी और स्पॉट पे भी, ताकि वहां के कलर ये पढ़ ले। तो इसने क्या किया, इन चारों को, मैं ऐसे कहने का मतलब ये है कि मैं इसको इधर से इधर उधर मूव भी कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि यहाँ पर चार दिया हुआ है तो मैं मैक्सिमम चार बना सकता हूँ। अभी मैक्सिमम चार मैंने बनाया है ना, तो ये यहाँ पर चार हो गया, ये चार पॉइंट हमें मिल गए। ये जो कलर सैंपलर है इसको सैंपल करके यहाँ कलर लिया गया है, ये कहने का मतलब है। रूलर, रूलर, अब रूलर के बारे में बात करते हैं, तो फिर से इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर रूलर पे आते हैं, मेजरमेंट वाले टूल में जाएंगे, हमको मेजरमेंट ढूंढना है, तो ये मेजर टूल है, तो रूलर है। यहां से यहां तक देखिए, ये इसने आपको लेंथ दिखा दी D1, एंगल भी दिखा दिया किस एंगल पे आप जा रहे हैं यहां से वहां। तो ये आपको रूलर टूल है जो आपको पोजीशन कर सकेगा इमेज को, एलिमेंट प्रिसाइजली। रूलर जो टूल है वो कैलकुलेट करता है डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में, और जब मेजर कर लेंगे तो एक उसमें एक लाइन भी ड्रॉ हो जाती है जो नॉन प्रिंट नहीं होगी। तो जो ऑप्शन बार है, इन्फो पैनल आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे आप देखिए स्टार्टिंग लोकेशन क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, विड्थ हाइट एंगल भी बता दिया इसने। तो स्टार्टिंग लोकेशन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया एक्स वाई एक्सेस में, एंगल मेजर जो रिलेटिव एक्सेस है उसके हिसाब से, ए के हिसाब से टोटल लेंथ कितना ट्रैवल किया D1, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये D1 है, इस तरीके से जो दो लेंथ ट्रैवल किया आपने D1 और D2 अगर आप प्रोटेक्टर यूज कर रहे हैं। तो जो आई ड्रॉपर है वो क्या करता है, चूषक का काम करता है, यानी कि एक जगह का कलर उठा लेता है। तो आप ये वाला काम इससे कर सकते हैं, इस तरीके से। कलर सैंपलर टूल है वो क्या करता है, एक से ज्यादा आप सैंपल उठा लीजिए, वो सारे सैंपल को कंबाइन करके आपको स्पॉट वैल्यू दे देगा ये वाला। रूलर टूल क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाइए, आपको ऐसे करेंगे तो आपको लेंथ दिखा देगा, एंगल दिखा देगा, क्या आपका डिस्टेंस है एक्स वाई में कितना मूवमेंट है वो आपको दिखा देगा। रीटचिंग टूल्स, रीटचिंग टूल्स मतलब आपके पास ऑलरेडी इमेज है और आप कुछ पार्ट रीटच करना चाहते हैं, कोई खराबी हो गई, कोई दिक्कत हो गई, या आप उसको और सुंदर बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप रीटचिंग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास स्पॉट हीलिंग ब्रश है, ऐसे आपके पास हीलिंग ब्रश है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पैच टूल है, कोई रेड आई आ जाती है उसके लिए है, फिर आपके पास मैजिक इरेजर है, ब्लर है, शार्पन है, स्मज है, डॉज है। तो ये क्या क्या करते हैं ज़रा मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ, और इसके क्या क्या फायदे होते हैं, किस तरीके से काम करता है। जैसे हीलिंग ब्रश है और स्पॉट हीलिंग ब्रश है, जो स्पॉट हीलिंग ब्रश है इसको हम क्लोन कर सकते हैं एक एरिया को दूसरे एरिया से, ताकि ब्लेंड कर सके पिक्सल सीमलेसली आपके टारगेट एरिया में। जो बेसिक प्रिंसिपल है इसका कि जो टेक्सचर होता है सैम्पल एरिया से वो ब्लेंड हो जाता है उस कलर में, और जो ल्यूमिनोसिटी है उस आसपास के एरिया की वो उसमें ब्लेंड कर देता है जो भी आप पेंट करना चाहते हैं। जो इसके और हीलिंग ब्रश के बीच में डिफरेंस ये है कि जो स्पॉट हीलिंग ब्रश आप देख पा रहे हैं, इसको कोई सोर्स पॉइंट नहीं चाहिए, आप केवल क्लिक करें जो ब्लेमिशेस आपको दिख रहे हैं, जो चीज़ हटानी है ताकि उनको हटाना है आपको, और जो बाकी काम है वो हीलिंग ब्रश आपके लिए कर देगा। ऐसी हीलिंग ब्रश जो है, स्पॉट नहीं, हीलिंग ब्रश जो है वो आपको एक सैंपल निकालने की कोशिश करता है, सिंपल लेंगे आप इसमें, एक बार आप सैंपल लेंगे तो जो सराउंडिंग एरियाज हैं उसको लेगा और ट्राई उसको ब्लेंड करने की कोशिश करेगा जो आप पेंट करना चाहते हैं बाकी पिक्चर, बाकी जो एरिया है जहाँ जहाँ आप करेंगे। पैच जो है थोड़ा इसमें कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम ये यूज़ करता है, जैसे हीलिंग ब्रश है इसमें क्या करते हैं, पैच टूल की तरह हम एक पहले पैच ले लेंगे, उसके बाद भी या फिर एक तरीके से कहें सिलेक्शन डिफाइंड एरिया होगा, और जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑपरेट करेगा लैसो सिलेक्शन की तरह, और उसके बाद जो भी डिफाइंड एरिया होगा उस जगह पे जाके आप इस पर काम कर सकते हैं। तो पैच टूल रीटच करता है इमेज को, जिसमें सैम्पल पिक्सल या पैटर्न के रूप में इस पे काम करता है, और ये हीलिंग ब्रश और लैसो टूल का कॉम्बिनेशन समझ लीजिए। रेड आई इसलिए होता है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ फ्लैश फोटोग्राफी में एक अनडिजायरेबल इफेक्ट आ जाते हैं, आंखों लोगों की आंखें लाल हो दिखते हैं दिखने लगती है, और वो इसलिए होता है कि जो रिफ्लेक्शन होता है रेटिना का फ्लैश गन से, अगर वो कैमरा लेंस बहुत पास में है इस कारण से आता है।
फिर मैजिक इरेजर है, ये भी हम देखेंगे और आगे के डिस्कशंस में भी देखेंगे। जो जो हमारे पास होगा, आज हमारे जो सॉफ्टवेयर वर्जन है, हमारा फोटोशॉप का वर्जन है, उसमें जरूर बात करेंगे सबकी, लेकिन इनका जानना जरूरी है। मैजिक इरेजर का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई लेयर क्लिक करते हैं मैजिक इरेजर टूल से, तो ये क्या करेगा, जितने भी सिमिलर पिक्सल होगा उसको ट्रांसपेरेंट बना देगा। अगर आप लेयर पे काम कर रहे हैं, लॉक किया है अपने ट्रांसपेरेंसी को, तो जो पिक्सल आपका है वो बैकग्राउंड कलर में चेंज हो जाएगा। अगर आप क्लिक करेंगे बैकग्राउंड को, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लेयर में और सारे जितने भी पिक्सल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे ट्रांसपेरेंट में। ब्लर करना मतलब ये, अगर आप किसी एरिया को ब्लर करना चाहते हैं, शार्पन मतलब किसी एरिया को आप शार्पन करना चाहते हैं, मतलब ब्लर करना मतलब होता है थोड़ा सा आप एवरेजिंग कर रहे हैं, शार्पनिंग मतलब आप थोड़ा सा इसको उस इफेक्ट को उठा रहे हैं। ऐसी स्मज और डॉज टूल है। स्मज टूल बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। इसमें हम क्या करते हैं कि स्मियर करते हैं पिक्सल को, जो आसपास है ना उसको मिक्स करते हैं पेंट पेंट की तरह। जो स्मज टूल है ये स्मियर करता है आसपास को, क्योंकि अगर आप लिक्विफाई फिल्टर वगैरह यूज करें तो वो मिक्स करने की जगह डिस्टॉर्ट कर देता है, ये आपको फायदा करेगा स्मज। ऐसी डॉज है, डॉज टूल जो होगा वो इस एरिया को लाइटन करेगा। ये एक ट्रेडिशनल डार्क रूम टेक्निक पे से रिलेटेड है। इसमें क्या करते हैं, स्पेसिफिक एरिया को हम प्रिंट कर को, जैसे अगर उसमें रेगुलेट करना चाहते हैं एक्सपोजर लाइट का, तो इसके लिए हम डॉज यूज करते हैं। उसी तरीके से बर्न टूल है, स्पॉन्ज टूल है। बर्न क्या करता है, ये डार्क कर देगा एरिया को। स्पॉन्ज टूल जो होगा वो, मैं पहले बर्न बता देता हूँ आपको। जैसे आपने अभी इसके पहले जो देखा वो आपका जी वाला जी देखिएगा, ये क्या कर रहा था, लाइट कर रहा था डॉज। ये जो करेगा बर्न टूल, ये डार्क कर देगा। ये भी उसी चीज पे आधारित है कि आपको किसी जगह पे स्पेसिफिक एक्सपोजर देना है। स्पॉन्ज टूल जो है, बड़ा बड़ा एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट इसमें आता है, मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको। तो जो कलर सेचुरेशन है उस किसी एरिया का, उसको आप चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का, फोरफ्रंट। तो एक जो जो चीज़ हमारे पास होगी उसको हम करके देखेंगे। सबसे हम पहले फोटोशॉप पे जाते हैं, अपने फाइल ओपन करते हैं। अभी जैसे मैं बताता हूँ आपको कि ये जो वर्जन है जो मेरे पास है, वो हो सकता है आपके पास वैसा वर्जन ना हो, इसलिए बिल्कुल इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है घबराने की, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी अगर आप लेटेस्ट वर्जन लेंगे। और क्योंकि ये पहले का वर्जन मेरा है, इसलिए कुछ चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी, लेकिन जो जो होगा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊँगा। अब देखिएगा, इसमें मैं हीलिंग ब्रश टूल आपको दिखाना चाहता हूँ। हीलिंग ब्रश टूल को बहुत ध्यान से देखिए। मैं ऑल्ट क्लिक, देखिए इसने कहा ऑल्ट क्लिक करिए, तो ऑल्ट दबा रहा हूँ मैं और मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। मैं ऑल्ट क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको छोड़ता हूँ। देखिए देखिए चेंज हो रहा है ना। तो जिस जगह को मैंने ऑल्ट क्लिक किया है, उस जगह की वो जगह की चीज़ उसने उठा ली और बाकी जगह वैसे ही चेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम पैच टूल पर अगर जाएँ, अब देखिए ये पैच टूल के लिए मेरे को एक लासो बनाना पड़ेगा या एरिया बनाना पड़ेगा। अब मैं इसको किसी और जगह पर ले जा रहा हूँ, देखिए मूवमेंट देख रहे हैं आप, वो जगह यहाँ उठ के आ जाएगी, ऐसे ऐसे होगा। अब देखिए ये कहाँ कान यहाँ था, कहाँ कान यहाँ पर लग गया, इस तरीके से। अगर आप यहाँ लगाना चाहते हो तो यहाँ लग जाएगा, ऐसे करके आँख जो है जिस जगह पर, जिस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और जिसके ऊपर रख देंगे वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे ही आप, आपके पास कलर रिप्लेसमेंट टूल है, कलर रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी कलर रिप्लेस किया, देखा आपने, ये कलर रिप्लेस किया मैंने, जो जो आपको ये वाले कलर दिख रहे हैं फोरग्राउंड बैकग्राउंड वाले, वो यहाँ पर मैंने कलर रिप्लेस किया। इस तरीके से कलर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी बात हुई आपके ये तीन टूल्स की। एक एक करके हम जो जो यहाँ पर सिलसिले के तरीके से, यानी कि सब ग्रुपिंग में है ना, उनको देखेंगे। तो हम इसको ओपन करते हैं फिर से दोबारा, और अब आपको दूसरे टूल्स पे ले जाते हैं। जो आपका ये टूल है, जैसे ये वाला देखिए, ये ब्रश टूल है, पेंसिल टूल है, इसके बारे में बात करेंगे। ये क्लोन भी, हम क्लोन और पैटर्न भी बाद में बात करेंगे। हमारे पास ये वाला टूल है, इरेजर टूल है। ये देखिए इरेजर टूल से क्या कर सकते हैं, किसी एक एरिया को आप हटा सकते हैं, देखिए इरेज इरेज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अच्छा किस किस कलर में करेंगे, आप यहाँ से कलर कलर चूज कर लीजिए और उसके बाद फिर आप ये इरेजर टूल चलाइए तो उस जगह के कलर को हटा देंगे। देखिए आप कलर पिकर से कलर पिक कर लीजिए और फिर कर लीजिए इसको। तो ये दो तीन कॉम्बिनेशन में चलता है इरेजर टूल, ऐसा नहीं है कि एक ही इसमें, ये लिख नहीं रहा है कलर, ये इसको इरेज कर रहा है लेकिन ये इस कलर में कर रहा है जो बैकग्राउंड कलर दिया हुआ। बैकग्राउंड कलर को आप ये चूज कर लेंगे इससे और फ्रंट, तो फिर यहाँ से वो उस हिसाब से करने लगेगा। और उसमें देखिए ये बैकग्राउंड इरेजर टूल है एक हमारे पास। बैकग्राउंड इसने क्या किया कि बैकग्राउंड जो भी होगा इस इमेज का उसको हटा देगा। देखिए हमें ये इमेज हटा दिया इसने और बैकग्राउंड की चीज़ दिखाने लगा, यानी कि हमारी इमेज के, अगर मैं इस इमेज को हटा दूँ तो ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, ये जो बैकग्राउंड है वो दिखाई दे रहा है ना। इस तरीके से हम मैजिक इरेजर टूल पर भी आ सकते हैं।
देखिए ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि जिस जितने ज़्यादा एल्गोरिथम टफ होगा उतने ज़्यादा पे ये काम करेगा। और देखिए यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ दोबारा, हम जाएंगे अपने इस पे पेंट पे फोटोशॉप। ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज़ें जो हैं इसमें वो इसके एल्गोरिथम का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। अब देखिए मैंने क्या किया था, क्यों बंद हुआ ये, एक से ज्यादा बार मैंने क्लिक कर दिया, चार बार क्लिक कर दिया, क्योंकि वो हैवी एल्गोरिथम है। तो उसमें बार बार अगर मैं चीजें करूंगा तो अपने आप, क्योंकि रैम मेरे पास एक लिमिटेड है, मेरे पास साइज लिमिटेड है, वो सिस्टम की कमी के कारण वो चीज हट जाती है। ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम ये यूज करेंगे। देखिए मैजिक इरेजर मतलब इसने क्या किया, आसपास के सारे सारे एक जैसे पिक्सल को लेके हटा दिया, अब वो पीछे की चीज दिखने लगी मुझे, राइट। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, और भी हमारे पास टूल्स है, ये बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास, जैसे डॉज टूल है, बहुत ध्यान से देखिएगा डॉज टूल क्या करता है। अब देखिए डॉज टूल क्या कर रहा है, देखा आपने। इसी तरीके से हमारे पास बर्न टूल है, मैं इस एरिया को बर्न कर रहा हूँ। मेरे पास स्पॉन्ज टूल है, अब देखिएगा स्पॉन्ज क्या करेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसने आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो ये देखिए ये कैसा स्किन का कलर है, ऊपर वाला कैसे कलर हो गया, जो हमने चूज किया उस हिसाब से ये डॉज कर देगा। ये सारे चीजें हैं, इसको स्पॉन्ज कर देगा, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये सारे ऑप्शंस आप ट्राई करिएगा। ब्लर है, शार्पन है, आप चाहे तो ब्लर कर सकते हैं किसी एरिया को, आप चाहे तो शार्पन कर सकते हैं मैं इस किसी एक एरिया को। अच्छा इन सब के ना कुछ डायमीटर वगैरह है, इन सब पे ध्यान रखिएगा कि ये सब जो आपके पास है ना उसको उसको बड़ा घटा सकते हैं आप, वहां से आपको इफेक्ट दिखाई देगा, जो एक्चुअली इफेक्ट दिखाई देगा वो आप इन सब चीजों को लेंगे यहाँ पर। केवल ये करने से काम नहीं चलेगा, आपको ये सब देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, ये जो चीज इफेक्ट है ना ये सब प्रैक्टिस से आएगी आपको। और आप शार्पन करना चाहते हैं किसी एरिया को, देखिए मैं इसको शार्प कर रहा हूँ, मैं इसको और स्मज कर दे रहा हूँ, अगर आप इफेक्ट देख पा रहे हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बड़ा लूँ ताकि समझाने के पर्पज से आप देखें, देखिए देख रहे हैं आप, मिक्सिंग मिक्सिंग एक तरीके से। तो कौन सी इमेज को क्या किया जा सकता है वो इन सब टूल्स पे है, ये सब प्रैक्टिस से होगा, और आप बस समझ जाए करता क्या है ये, तो फिर आप आराम से इसको इस पे काम कर सकते हैं। अब इसको समराइज करते हैं, जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है वो, और जो आपके अलग अलग मार्की टूल है, रेक्टेंगल उसमें रेक्टेंगुलर पोर्शन लेता है, आपका जो ये इलेप्टिकल है वो इलेप्टिकल लेगा या सर्कल लेगा, सिंगल कॉलम जो एक कॉलम लेगा, सिंगल रो जो है एक सिंगल रो लेगा सिलेक्शन, और लैसो टूल जो होगा वो कस्टम हाथ से जैसे बनाते हैं उस तरीके से फ्री हैंड सिलेक्शन लेगा, ताकि आप कटआउट कर सकें या किसी स्पेसिफिक सेक्शन को प्री एग्जिस्टिंग पिक्चर के ले सके। पॉलीगन जो है वो पॉलीगन की तरह बनाएगा, जिसमें आपके एजेस होंगे, आपके वर्टिसेस होंगे, इस तरीके से बनाएगा। इसी तरीके से जो मैग्नेटिक लैसो टूल है वो एक एज डिटेक्शन टूल है, यहाँ से शुरू करिए अपने आप आपको इस तरीके से ले जाएगा, मूविंग अराउंड करेगा, तो क्योंकि इसके पीछे एल्गोरिथम लगा हुआ है। ऐसी क्रॉप टूल है, कोई एक बड़ी इमेज आपने काट ली, आपका आपका चेहरा यहाँ है कि इसको काटना चाहते हैं तो क्रॉप यूज करें। स्लाइस टूल क्या करता है कि इमेज को आपके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, और उसके बाद आप इसको एज अ जिग्सॉ जोड़ सकते हैं स्ट्रेट लाइन के थ्रू। आई ड्रॉपर टूल जो होता है वो सैंपल करता है कलर को, ताकि आप नया फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर दे सके। रूलर टूल जो होता है वो आपको पोजीशन करने में मदद करता है, क्योंकि ये लेंथ बताता है, इमेज या एलिमेंट को आप प्रिसाइजली रख सकते हैं। ये रूलर टूल है वो कैलकुलेट करता है डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में उस वर्क स्पेस में। जो डॉज टूल है, बर्न टूल है, स्पॉन्ज टूल है, बड़े इंपॉर्टेंट टूल है। डॉज टूल लाइटन करता है एरिया को, बर्न टूल डार्क कर देता है, स्पॉन्ज टूल क्या करता है एक तरीके से सेचुरेशन जो सेचुरेटेड है एरिया है उसको रिडक्शन में काम करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग इफेक्ट आता है। तो ये बात हुई इस चैप्टर की, बहुत शुक्रिया और बहुत मेहरबानी।